हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और आप सभी का एडुप्लांट में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहां बहुत लंबी चौड़ी बातें करता हूं नहीं, बिल्कुल पेन पॉइंटेड लेक्चर को जितना कंसाइज छोटा हो सकता है उतना ही छोटा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो सारे की पॉइंट्स जो किसी भी टॉपिक के अंदर आते हैं वो सारी चीज़ें कवर करूँ और ब्रीफली पिन पॉइंटेड आप सभी को चीज़ों को समझा दूँ। और नोट्स के लिए मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप नोट्स ले सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक पर जा सकते हैं और वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, फिलहाल हम चलते हैं इस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बहुत ही कंसाइजली सिनॉप्टिकल वे में मैंने इसको प्रेजेंट किया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तौर पर अगर हम देखें तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा। वहीं पर अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो ये इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्मॉल ग्रुप, वन टू ग्रुप, मास कम्युनिकेशन एंड डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल ये हो सकता है। अब हम इन टोटल जो है वो 2 to 4 or 5, 9 and 3, 12 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रीफली हम समझ लेते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति के अनुसार तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक है हमारा वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। अब वर्बल के अंदर जो शाब्दिक है उसके अंदर हम दो तरीके से, मतलब शब्दों का प्रयोग करके या तो हम उसे ओरली मुंह से बोल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम गैर शाब्दिक की बात करें या नॉन वर्बल की बात करें तो हम यहां पर बॉडी लैंग्वेज, टच या फिर पैरा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और हम बिल्कुल अपने बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का एक्सप्रेशन, आंखों का, टच से या फिर स्पेसिंग की वजह के साथ हम उन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। पैरा लैंग्वेज की हम बात करें तो हमारा जो टोन है, जो पिच है, या किसी एक शब्द पर हम बलाघात लगाते हैं, स्ट्रेस्ड कर देते हैं, इस माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को कम्युनिकेट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो दूसरा है वो है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना के अनुसार। इसके अंदर दो तरीके आ जाएंगे, एक है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कहने का मतलब है औपचारिक, जहां की हम ऑफिस जो होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, न्यूज बुलेटिन होते हैं, वहां पर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर वर्ड, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी का यूज करते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा इनफॉर्मल है वो घर परिवार, दोस्तों के बीच में, संबंधियों के बीच में हम बड़े फ्रेंकली और फ्रीली, जहां की हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट वर्ड्स, इन चीजों का ध्यान थोड़ा हम कम भी रखते हैं, लोकल लैंग्वेज या इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये दो तरीके हमारे और आ जाते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं आगे। डियर लर्नर्स, अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्म चले रूपों के अनुसार तो आप देखोगे कि पहला जो है इसके अंदर वो है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कहने का मतलब है जैसे कि भाई अपने बहन से बात कर रहा हो, मैं अपने पापा से या मम्मी से बात कर रहा हूँ, सो इट्स लाइक 1 to 1 या 1 to 2, बहुत ही छोटा फॉर्म है अपने आप में। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल, जहाँ पर इंटरपर्सनल में दो व्यक्तियों के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पर इंट्रापर्सनल है, स्वयं से ही बात है। जैसे कि अगर मैं द्वंद्व की स्थिति में हूँ, डिलेमा में हूँ, और कोई कॉन्ट्राडिक्ट्री थॉट मेरे माइंड में चल रहा है, तो ये खुद से खुद को ही मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और एक डिसीजन पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वन इज स्मॉल ग्रुप, लघु समूह संचार। जैसे कि क्लास में छोटे छोटे हम ग्रुप बना देते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। फोर्थ वन इज वन टू ग्रुप, इसमें क्या है कि ग्रुप है बट जो सेंडर है वो एक है, एक बोलेगा बाकी जो ग्रुप है वो सुनता है। जैसे कि लीडर्स का स्पीच हो, आप कन्विंस करना चाह रहे हैं, ग्रुप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, सो दिस इज स्मॉल वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। और जो लास्ट है इसके अंदर मास कम्युनिकेशन, ये बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, जहां कि आप देखते हो रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट का, पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, इन सब के माध्यम से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत बड़े लेवल का होता है
और एक बड़े समूह तक हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचता है। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ, जहां कि हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कि जो बात है, जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन का कंटेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहां हमें मिलते हैं तीन डायरेक्शंस। नंबर वन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहां पर हिंदी में हम इसे बोलेंगे अधोगामी संचार। यहां पर क्या है कि हायर अथॉरिटी से लो अथॉरिटी या लो की तरफ, हाई टू लो कम्युनिकेशन का फ्लो होगा। जैसे कि जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिस होल्डर हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट या उनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ जब कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक इसके उलट, जब नीचे सबऑर्डिनेट लोग जो हैं या लोअर लेवल वाले लोग जो हैं वो हायर अथॉरिटी की तरफ अपनी बातों को पहुंचाते हैं, तब हम इसे कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। जबकि थर्ड टाइप में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जहां की लेवल जो है वो सेम है, आपस में जो काम करने वाले लोग हैं या सेम लेवल के जो ऑफिसर्स हैं आपस में जब बात करेंगे, चाहे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के बीच में हो, टीचर टीचर के बीच में हो, मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट जो लोग हैं उनके बीच में अगर बातें हो, तो हम कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है। इस तरह से हमने टोटल 12 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे, जो ये रहे। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है उन लिंक्स को जरूर विजिट करें, जो कि मेरा ब्लॉग है, और वहां पर हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट शॉर्ट नोट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए और अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले। एक बार आप मेरे ब्लॉग को जरूर विजिट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। आपको भी आना है क्या? बोलोगे आप? उठाऊं आपको ऊपर? खाली बाय बोलोगे? बोलो वीडियो को लाइक कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ओके बाय बाय।